आपने अपने बिजनेस का आगाज किया तो इसमें क्या चैलेंजेस देखे, कहाँ पे आके आपको लगा कि यार ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल है? आप सिर्फ अपने लोगो जो वो डिजाइन करें, आप अपना फेसबुक पेज बनाएं और अपनी एक प्रोडक्ट बनाएं या जो कुछ भी आपने सेल करना है वो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे आप बेचना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो मीडिया के स्पेसिफिकली लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, उनको मौके फराहम कर सकूँ, इस इदारे को इतना बड़ा बनाऊं कि पाकिस्तान के कम से कम तमाम बच्चों को मौके फराहम कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से, जिनकी जर्नी से, जिनकी स्ट्रगल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीब अहमद साहब, इनका एक लंबे अरसे का मीडिया का एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, ये बतौर एंकर भी काम कर चुके हैं, फिर इन्होंने मीडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी की, उसके बाद रेडियो पे ये अभी तकरीबन कई बरसों से काम कर रहे हैं, 8 बरस से काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग एन एनालिस्ट, इन्होंने जो है वो मीडिया पे अपना काम किया, उसके बाद फिर ये अपने बिजनेस की तरफ कब और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम मुनीब अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने एज एन एंकर अपने करियर का आगाज़ किया और फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी किए, लेकिन अपने बिजनेस की तरफ कब और कैसे आए? देखें, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं कि जब हम मीडिया में आए तो रेडियो सबसे पहला जो है हमारा मस्कन था, और शायद मैं 10th क्लास में था जब मैंने रेडियो को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद रेडियो की वजह से स्क्रीन का नशा और वो सारा कुछ, ग्लैमर वगैरह, हम आ गए एंकर की तरफ। लेकिन जब हम स्क्रीन पर आ गए, वो शौक वगैरह सब कुछ पूरा हो गया, तो पता चला कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो शोशा नहीं है, वो पैसा है। और मीडिया में उस तरह से टीवी पे मुझे पैसा नज़र नहीं आया, और जो मीडिया के उस वक्त हालात नज़र आए वो कुछ अच्छे हालात नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि मैं कोई ऐसी स्किल सीखूंगा, मीडिया की ही कोई ऐसी स्किल सीखूंगा जिसको लेके मैं आगे बिजनेस की तरफ लेके जा सकूँ। तो फिर मैंने स्किल्स पर काम शुरू किया और कंटिन्यू हो गया। सर अभी आपका जो इदारा है क्रिएटिव मीडिया पार्टनर्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस किस तरह से काम कर रहा है। सर देखें, क्रिएटिव मीडिया पार्टनर्स बेसिकली एक मीडिया मार्केटिंग कंपनी है। हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल में हमने अलॉट पॉलिटिकल कैंपेन्स की हैं, और बहुत सारे बैंक्स की कैंपेन्स की हैं, बहुत सारे बड़े तालीमी इदारों की कैंपेन्स की हैं। और बेसिकली इस वक्त जो मीडिया का मकसद है, जो इस वक्त प्रोमिनेंट हो चुका है, वो नैरेटिव बिल्डिंग है। पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जैसे आप कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से काम कर रहे हैं, उसमें हम भी कुछ अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, तो हम पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, और क्रिएटिव मीडिया बेसिकली इसी की एक्सपर्ट है, इसी की टीम है, और यही लेके चल रहा है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जो कम्पेन्स डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या यूनिक चीज़ है जो आपको लगता है कि आपका इदारा ये एक वैल्यू एडिशन कर रहा है या यूनिक काम कर रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी आपने किसी की कम्पेन करनी होती है तो सबसे पहले टारगेटेड ऑडियंस देखी जाती है, उनकी नफ्सियात देखी जाती है कि आप जिस ऑडियंस को हिट कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनको क्या पसंद है, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ उनके दिमाग में डाल सकते हैं या एकदम डाल सकते हैं। तो हमारा बेसिकली काम होता है सबसे पहले ऑडियंस पे। हमारे पास जो टीम है उसके अंदर बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो रिसर्च करते हैं कि हम जिस टारगेटेड ऑडियंस पर काम कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, और उस हिसाब से फिर हम डिज़ाइन करते हैं अपनी कैंपेन्स को, अपने ग्राफिक्स को, अपने कंटेंट को, सब चीज़ों को, और उसको स्प्रेड करते हैं स्पेसिफिकली उन उन एरियाज में, उन उन लोगों में जिन जिन के लिए वो स्पेसिफिकली तैयार की जाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपने बिजनेस का आगाज़ किया तो इसमें क्या चैलेंजेस देखे, कहाँ पर आके आपको लगा कि यार ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है? सर देखें, किसी भी बिज़नेस के आगाज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो फाइनेंस होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा था और मीडिया की जॉब से कोई कितना कमा लेता है। लेकिन मेरा जो पैशन था वो इतना ज़्यादा था कि मैंने फैसला किया कि मैं कोई भी रास्ता निकालूंगा और इस काम को आगे लेके चलूंगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने न्यूज़ एंकर की जॉब के साथ साथ उसी इदारे में रहते हुए तमाम डिपार्टमेंट्स का काम सीखना शुरू कर दिया।
8 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी एज एंकर, और बाकी के 8 घंटे मैं चैनल में देता था सब डिपार्टमेंट्स में सीखने के लिए। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, मैंने टेक का काम सीखा, साइबर सिक्योरिटी का काम सीखा, और ये तमाम गूगल एड्स और ये सब काम सीख के जब मैं हर चीज़ में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, खुद जब मुझे तमाम काम आ गए तो मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। जब कंपनी रजिस्टर करवाई तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी को एम्प्लॉय रखता या मैं किसी तरह इसको लेके चलता। जस्ट मैंने इसको सोशल मीडिया पे लेके आया और लोगों से जाके मिलना शुरू कर दिया, जो थोड़ी बहुत पीआर थी, प्रोजेक्ट्स मिलते गए, खुद एग्जीक्यूट करता गया उनको। आहिस्ता 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 जब रेवेन्यू जनरेट होता गया तो एक ये पूरा इदारा खड़ा हो गया। सही सर, आपका ये जो इदारा है ये अभी करंटली क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? देखिए, ये क्रिएटिव मीडिया पार्टनर्स जो है, इनकी इसकी मेन सर्विस जो है वो मीडिया मार्केटिंग ही है, और उसके अलावा हम इवेंट्स करवाते हैं और कॉन्सर्ट्स करवाते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स। इस्लामाबाद में हमारे 3-4 बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। उसके अलावा पॉलिटिकल कैंपेन्स हमारी एक्सपर्टी है अभी इलेक्शंस में और इससे पहले भी, और इमेज बिल्डिंग कैंपेन्स, ये सब कुछ। ठीक है, तो इस वक्त भी बहुत सी पॉलिटिकल कैंपेन्स चल रही हैं, 3 इवेंट्स जो हैं बैक टू बैक अभी चल रहे हैं जो ईद के फौरन बाद होने जा रहे हैं, म्यूज़िक बड़े कॉन्सर्ट्स हैं, तो ये सब कुछ इस वक्त रनिंग में है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत सारे लोग आजकल बिज़नेस करने का सोचते हैं, तो आप उन्हें क्या गाइडलाइन देंगे कि वो स्टार्ट में एक वन मैन शो की तरह काम करें, क्या करें? देखिए, जब आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप में पोटेंशियल कितना है। ठीक है, क्या आप इतनी ज़रूरत रखते हैं कि आप तमाम सरकमस्टेंसेस को फेस कर सकेंगे, उनको डील कर सकेंगे और उनको आगे लेकर चल सकेंगे? अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको, मैं समझता हूँ, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई बड़ा से बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े बिज़नेस जो हैं वो 5-5, 10-10 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब आप एक दफ़ा शुरू कर लेते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है, आप सिर्फ अपने लोगो जोगो डिज़ाइन करें, आप अपना फेसबुक पेज बनाएं और अपनी एक प्रोडक्ट बनाएं या जो कुछ भी आपने सेल करना है वो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे आप बेचना शुरू कर दें। जब आपका रेवेन्यू जनरेट हो तो आप अपनी आउटलेट बना लें या जो कुछ मर्जी कर लें। तो जो इंसान इस वजह से बिज़नेस नहीं करते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास कोई पीआर नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, वो बेसिकली अपने साथ धोखा कर रहे होते हैं, वो करना चाहते ही नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सामने हूँ, कुछ भी नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह है। सर, आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप परसू करना चाहते हो या जिस पर काम करना चाहते हो, वो क्या है? बेसिकली मैंने मीडिया फील्ड में देखा है कि जितने भी आजकल लड़के लड़कियां मैस कम्युनिकेशन करके आते हैं, वो बेचारे, इदारे कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं। अगर जॉब्स कर रहे हैं तो 10-10, 15-15 हज़ार उनकी सैलरीज हैं, तो इदारे उनको लेके नहीं चल पाते। तो मेरा जो सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ खुद फेस किया, मैं एक इदारे में था जहाँ पे 2-2, 3-3 100 इंटर्न्स एक वक्त में आते थे और उनको जगह नहीं मिल रही होती थी। तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं इस इदारे के ज़रिए, क्रिएटिव मीडिया पार्टनर्स के ज़रिए, जो मीडिया के स्पेसिफिकली लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, उनको मौके फराहम कर सकूं, इस इदारे को इतना बड़ा बनाऊं कि पाकिस्तान के कम से कम तमाम बच्चों को मौके फराहम कर सकूं कि वो इस बिज़नेस के साथ जुड़ के, यहाँ पे जॉब ना करें, इस बिज़नेस के साथ जुड़ के अपने बिज़नेस कर सकें। तो ये मेरा ड्रीम है और इसको लेके मैं इंशाल्लाह आगे चल रहा हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप यूथ को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरह से अपनी जो नाउम्मीदी है उसको उम्मीद में कन्वर्ट करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिलीजियस साइड से भी देखें तो अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि आपकी नेक नियती बहुत ज़रूरी है, आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सब कुछ चल रहे हैं तो मैं ये ऑन एयर ये गारंटी दे सकता हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप फेल हो, अगर आप नेक नियत हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। तो बेसिकली यूथ को पैगाम सिर्फ मेरा यही है कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये फील्ड आपके लिए बनी है, क्या आपके, जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंदर यही फील्ड उतारी गई थी, क्या आपकी नेचर में यही फील्ड है? जैसे मीडिया का बनता है, अगर वो डॉक्टर बन गया है तो वो काम नहीं कर सकेगा, खुश हो के काम नहीं कर सकेगा। कोई डॉक्टर है अंदर से और उसको आप एंकर बना देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। सबसे पहले देखिए आपके अंदर क्या है, जो आपके अंदर है उसको लेके ये थाम लें, अहद कर लें, अपना टाइम सेट कर लें, गोल सेट कर लें कि इतने अरसे में आपको ये अचीव करना है, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
पाकिस्तान में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयज़ नहीं अच्छे मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, कासिम अली शाह साहब के काम से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और कासिम अली शाह फाउंडेशन स्पेसिफ़िकली जो काम कर रही है, मैं बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस में गया हूँ, मैंने देखा है। तो इस नौयत का काम, जैसे एक प्रोजेक्ट है आस आओ सुलह करें, जिसमें सुलह करवाई जाती है, ये एक ऐसा यूनिक काम है, एक ऐसा अजीब काम है कि कोई इसका सोच भी नहीं सकता कि क्या ये एक फाउंडेशन के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पे भी हो सकता है। तो इतना यूनिक और मुनफरिद आइडिया लेके आना और उस पर काम करना और लोगों के दिलों में नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतें बांटना, तालीम को परवान चढ़वाना, तालीम के प्रोजेक्ट लेके जाना, आज की यूथ को मोटिवेट करना, उनको कुछ करने का जज्बा देना, बजाय इसके कि वो बेरोज़गारी में और ख़ुदकुशी और इस तरफ जाएं, उनको ये जज्बा देना कि आप कुछ कर सकते हो, ये अल्लाह ताला का एक करम होता है, ब्लेसिंग होती है जो ये कर रहा होता है, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के पास ये ब्लेसिंग बहुत मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब अहमद साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने यूथ को एडवाइस दी और अपने बिज़नेस के हवाले से भी बताया, वो यकीनन सबके लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।